जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस राशिफल में। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के राशिफल की। सूर्यदेव मकर राशि में यानी कि अपने पुत्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जब होगा पिता और पुत्र का मेल, क्या रहेगा ग्रहों का खेल? चलिए जानेंगे आपकी राशि पे उनका क्या प्रभाव होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली के हिसाब से ही अपनी राशि देखें। यदि राशि नहीं मालूम है तब आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये इंट्यूशन बेस्ड है, यानी जो भी मुझे आभास रूप में संकेत आपके लिए प्राप्त होते हैं कि इस समय ये चीज की घटना आपके साथ हो सकती है, वो मैं आपको गाइडेंस के रूप से बता रही हूँ। ये क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो लाखों लोगों के लिए मैं ये राशिफल बता रही हूँ। तो हो सकता है कोई चीज आपसे मेल खाए, हो सकता है कुछ आपसे मेल ना खाए, तो जो भी आपके लिए है आप उसको सुने और बाकी को आप जाने दीजिए। क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जरूर आपके लिए इसमें कोई मैसेज होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सिंह राशि वालों, अगर आप बहुत समय से कमिटमेंट ढूंढ रहे थे तो ये जो परिवर्तन है, यानी कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, गिफ्ट भी मिल सकती है, या आप अपने जिनसे भी प्यार करते हैं उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ लोगों की शादी भी तय हो सकती है या शादी हो सकती है। ये एक अच्छा समय रिलेशनशिप को मैच्योर करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए बहुत अच्छा समय है कुछ लोगों के लिए। और काफ़ी लोगों की शादी होती हुई भी मुझे ये शादी का कमिटमेंट होते हुए इस दिन के आसपास दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोग आपके आसपास भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे घुलते मिलते इस समय में दिखाई दे रहे हैं, और आप उन सबके टॉप पे कहीं दिख रहे हैं। यानी कि आप, हो सकता है आप कोई टीम लीडर हैं तो किसी चीज़ को लीड करने का अवसर आपको मिले, या अगर आप कोई परफॉर्मर हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस भी दिख रहे हैं, कोई डांस अगर करते हैं या किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस आपकी है, आप आर्टिस्ट हैं या कोई व्लॉगर वगैरह हैं, तो आपका एक लेवल अप होने वाला है और लोग आपको देखने वाले हैं। मतलब आप कहते हैं ना, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसा कुछ फीलिंग आपको होने वाला है जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपको देखेंगे, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं आपको बिल्कुल कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, कोई काम आपका ऐसा है जो कि आपको लगता है कि कॉपी हो सकता है, तो आप बहुत ही सतर्कता से वो कार्य करिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी डिटो कॉपी करने वाले हैं, और उस कॉपी होने से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। कुछ लोगों को फिनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम इन दी सेंस कि आपके खर्चे इस समय में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारी जगह खर्चे करने पड़ेंगे। आपको अपने घर के आसपास कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, घर वालों पर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, तो अपनी सैलरी या अपनी सेविंग्स को थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत है, नहीं तो खर्चे से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। हम रमेश कुमार बोल रहे हैं उत्तम नगर से, और गुरु माँ के यहाँ 1 महीने से आ रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा, मन की शांति बहुत मिलती है। गुरु माँ निःशुल्क यहाँ सेवा करती हैं। आज के आधुनिक काल में इतने योग्य और इतने समर्पित गुरु माँ मेरे लिए तो बहुत धन्य है। मैं चाहता हूँ गुरु माँ मुझे आशीर्वाद दे, इससे जॉब में भी अस्थायी जॉब लगे, तरक्की हो, घर परिवार में सुख शांति हो। जय शनिदेव, जय माता। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं या लोगों को कुछ बताते हैं, टीचर हैं, ज्ञान देते हैं, या किसी चीज़ के बारे में आपको सिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए भी समय अच्छा है। कुछ लोगों को पोस्टमैन द्वारा कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस समय के आसपास आप दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों का आप दान करेंगे, खासकर कंबल या कपड़े हो सकते हैं जिनका आप दान करेंगे, या किसी के कपड़े या कंबल के लिए आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, कहीं दान कर सकते हैं, कुछ दान होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हॉलीडे पे भी जा सकते हैं, अपनी हॉलीडे इंजॉय कर सकते हैं, या उस समय थोड़ा वेकेशन या टाइम ऑफ ले सकते हैं, या जल्दी घर आ सकते हैं और थोड़ा सा अपने लिए समय बिताते हुए, अपने साथ समय बिताते हुए आप
रिलैक्स होते हुए या ज्यादा सोते हुए, कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है ऐसा दिख रहा है, काफी समय हो गया आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा लंबा सोते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे बात करें तो कुछ अच्छा आइडिया आपको आ सकता है, अगर गार्डनिंग या फिर पॉटरी या फिर खेती बाड़ी से संबंधित आपका काम है, या फूल पौधों से संबंधित काम है, या पानी से संबंधित काम है, या कोई लिक्विड पदार्थ से संबंधित काम है, या सब्जी का काम है, तो आपको उसमें लाभ की प्राप्ति इस समय के आसपास जरूर होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हर वीरवार यानी कि गुरुवार हम निशुल्क सिद्ध दरबार में उपस्थित हैं। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का निशुल्क वैदिक ज्योतिष द्वारा समाधान प्राप्त कर रहे हैं। लाखों के हुए हैं काम जिसने दिया है शनिदेव का नाम, तो आप भी अवश्य आए अपनी समस्या को दूर भगाएं। मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, पर्व आपके लिए बहुत अच्छे जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।